नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंग ट्वाइस MS में। और मैं आपके लिए करके आया हूँ BSNL और MTNL के BRS से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे BSNL में BRS जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है उसके बारे में डिटेल से। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि हम आज के इवनिंग के सेशन में लाने वाले हैं डिटेल डिस्कशन BRS लेने वाले एम्प्लॉयज़ का। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि BSNL में जो BRS स्कीम चल रही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर BSNL 2019, इसमें जो एम्प्लॉयों ने BRS लिया है उनकी संख्या अब 80,000 पार कर गई है। और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि आज इवनिंग तक यह संख्या 80,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो कि यह संख्या हो चुकी है 80,801 और ये इवनिंग 5 बजे का है और 5 से 6 बजे के 1 घंटे के टाइम में और भी BRS अप्लाई हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इवनिंग में यह लगभग 81,000 के आसपास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वैसे भी यह अप्रोक्सीमेट 81,000 का आंकड़ा छू चुका है तो, और सरकार का लक्ष्य था 80,000 तक का। तो अब अगर आप BRS अप्लाई करते हैं और सरकार इसकी जो काउंटिंग है और जो BRS के लिए जितनी संख्या उन्होंने बताई थी 80,000 उसको नहीं बढ़ाती है, तब आपको ये BRS जो है ये आपका कैंसिल हो सकता है। क्योंकि सिर्फ 80,000 का लक्ष्य रखा गया था सरकार के द्वारा कि जो 1,04,000 कर्मचारी थे उनमें से सिर्फ 80,000 को ही BRS दिया जाना था, लेकिन यह संख्या 80,000 से पार हो गई है। लेकिन अभी भी चूंकि BRS ERP में डाला जा रहा है और BRS ले रहा है, तो ये चांसेस हैं कि BRS अभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपको BRS मिल सकता है। क्योंकि इसमें एक कारण ये भी था कि BRS विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर कोई विड्रॉ करना चाहे तो, लेकिन ऐसी संभावना काफ़ी कम है कि BRS विड्रॉ करेंगे। क्योंकि जिन्होंने भी BRS अप्लाई किया है वो काफ़ी सोच समझ करके अप्लाई किया है, इसलिए विड्रॉ करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आपने अभी तक BRS अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी BRS अप्लाई कर दें ताकि आपको फिर बाद में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि BRS लेने से पूछा जा रहा था कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, तो ये सीधे तौर पर बताया जा सकता है यहाँ पर कि BRS जितने भी 53.5 ईयर से अबव वालों ने BRS लिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, फ़ायदा ही नहीं बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा है। और इसको हम आपको यहाँ पर डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से उन्हें फ़ायदा है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर आ रहा है विदड्रॉ का ऑप्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये है BRS विदड्रॉ, तो इससे आप चाह करके अगर चाहते हैं तो BRS विदड्रॉ भी कर सकते हैं। और ये है BRS 2019 का ऑप्शन यहाँ पर, जिसमें थ्रू ये BRS अप्लाई किया जाना है। अब हम देखते हैं कि क्या है इसके फ़ायदे और नुकसान। तो दोस्तों, वैसे तो ये ओरिजिनल ERP का डाटा जो है वो इस पर दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें आपको पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो डाटा है वो इंडिकेटिव तौर पर है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है जो कि जो भी BSNL के एम्प्लॉई है उनकी सर्विस बुक है उसमें कितनी उनकी लीव इनकेसमेंट है, कितना EL और अन लीव उनकी बची हुई है और एक्स ग्रेसिया अमाउंट है, वो थोड़ा बहुत इसमें डिफर कर सकता है। तो ये सिर्फ इस स्क्रीनशॉट से आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इतना ही अमाउंट आपको मिलेगा और थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो डिस्क्लेमर डाला है। तो देखते हैं इसमें कि जो BRS रिटायरमेंट एज है वो 31/1/2020 यानी 31 जनवरी को अगर BRS रिटायरमेंट डेट है वो ये मानी गई है, और इस पर इसकी जो ये जो एम्प्लॉई हैं इनकी उम्र है 56 साल 11 महीने 3 दिन। तो जब इनकी इतनी है तो अगर इनका एक्स ग्रेसिया अमाउंट जो पेएबल है वो है 11,37,750 बनता है, और जो ग्रेचुटी अमाउंट है वो बनता है 6,76,500। एवं इसमें अगर देखते हैं हम तो जब ये 60 साल होंगे, ग्रेचुटी अमाउंट जो कि टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अटेनिंग सुपर एनुएंसेशन एज ऑफ 60 ईयर्स और इन फरवरी 2025 विच एवर इज
अर्लियर यानी 60 साल के होते हैं या फरवरी 2025 तक के लिए में से जो भी पहले है उस समय इनका ग्रेचुटी अमाउंट होता है 6,76,500 और इनका इंडिकेटिव इंटरेस्ट ऑन ग्रेचुटी तो अगर 7.9% जो GPF इंटरेस्ट रेट है उसके अनुसार इन पर जो ग्रेचुटी पर इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 1,64,784 रुपये। तो 1,64,784 रुपये इस पर इंटरेस्ट बनता है और इसका जो पेंशन अमाउंट बन रहा है वो कितना है 7,58,500 रुपये। तो ये पेंशन अमाउंट है और अमाउंट ऑफ सैलरी पे प्लस DA यानी पे स्केल और DA को मिलाकर के जो सैलरी का अमाउंट है वो इनका हो रहा है 15,17,000। तो दोस्तों एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस आफ्टर BRS डेट ऑन 31 जनवरी 2020 विच द एम्प्लॉई वुड हैव रिसीव्ड टिल अटेनिंग नॉर्मल सुपरेन्यूशन एज ऑफ 60 ईयर्स। तो जब आपको 60 साल की उम्र होने के बाद में जो सैलरी का जो अमाउंट पे होना है ठीक है वो 15,17,000 है और इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर BRS टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड नाउ। तो इस समय जो टुवार्ड्स एक्सग्रेसिया एंड पेंशन टेन नियर नॉर्मल रेट ऑफ सुपरेनोशन 18,96,250। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 15,17,000 बताया हुआ है ये तो है अगर आप 60 साल तक की सर्विस करते हैं और उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट पर आपको मिलेगा पैसा कितना 15,17,000। लेकिन अगर आप इस समय इस स्कीम के तहत आज ही के दिन BRS लेते हो ठीक है तो आपको पैसा मिलेगा 18,96,250। मतलब कि अगर जब आप रिटायरमेंट पर 60 साल के बाद रिटायरमेंट लोगे तो आपको सिर्फ 15,00,000 रुपये मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 15,00,000 रुपये मिलेगा। और वहीं अगर आज के दिन आप BRS लेते हो तो आपको 19,00,000 मिलेगा यानी कि सीधे सीधे 3,00,000 का अंतर है। 3,00,000 रुपये आपको इस समय ज़्यादा मिल रहा है। अब चूंकि इनकी उम्र देखिए यहाँ पर 56 साल 11 महीने इनकी नौकरी हो चुकी है, 56 साल 11 महीने तक की इनकी उम्र हो चुकी है और ये 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं यानी इनकी 57 साल हो चुकी है, 3 साल बचे, 3 साल में होते हैं 36 मंथ और 36 मंथ में 3,00,000 रुपये के हिसाब से अगर आप देखो तो 36 मंथ में 3,00,000 रुपये के हिसाब से कितने आते हैं तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आता है दोस्तों 8,333 रुपये। मतलब कि आपको BSNL में एक भी दिन काम नहीं करना है और ऊपर से आपको लगभग 10,000 रुपये की सैलरी वो BSNL घर बैठे आपको दे रहा है एक्स्ट्रा में बगैर कुछ ही काम के। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है सुचारू रूप से वो तो है ही है, इसके अलावा 8,333 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे रहा है वो आपको बगैर किसी काम के। तो दोस्तों इस अगर इस तरह देखा जाए तो अगर इसमें एक और देखते हैं ऑप्शन कि इस पर टैक्स भी लगेगा तो 19,00,000 पर अगर टैक्स लगता है तो वो टैक्स लगभग 2,00,000 के आसपास का टैक्स होगा। तो अगर 2,00,000 के आसपास आपका टैक्स भी लग जाता है तो भी आपको लगभग 1,00,000 रुपये बचत में है और आपको कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है। और अगर आप अब सर्विस देते हो इसमें तब आपको समझ लीजिए कि आपको सिर्फ काम करना है और आपको जो काम करना है वो एक्स्ट्रा ही करना पड़ रहा है। अगर BRS से कंपेयर किया जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको जो काम कर रहे हैं ये फ्री का काम कर रहे हैं अभी BSNL में। इसके बाद में अगर BRS ले लेते तो इसका मतलब ये था कि आपको फ्री का पैसा मिल रहा था और आपको काम भी नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अगर आप BRS नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो पैसा सैलरी मिल रही है उसके अलावा भी आपको जो काम करना पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, 3 साल की आपकी मेहनत बेकार जा रही है एक तरह से। वैसे तो वो BSNL की सेवा में ही है तो एक तरह से देश सेवा के काम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेकार जा रही है, ये वर्ड गलत यूज कर लिया मैंने। लेकिन ये है कि अगर आप BRS लेते हैं तो फ़ायदा इसमें था सीधे सीधे। और दोस्तों ये तो था मतलब कि 53.5 साल से ऊपर वालों को सीधे सीधे फ़ायदा इसमें दिख रहा है। लेकिन आपकी उम्र अगर 53.5 से कम है तब आपके पास टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था और जो फ़ायदा हो रहा था वो थोड़ा कम हो रहा था। तो इस वजह से जो 50 साल से और 53.5 साल के बीच के उम्र के जो एम्प्लॉई हैं उनको थोड़ा सा नुकसान सहना करना पड़ना पड़ रहा था क्योंकि उनकी जो वो ड्यूटी है जो जॉब है वो काफ़ी टाइम की बची हुई थी तो इस वजह से उन्हें थोड़ा नुकसान सहना पड़ रहा था। और जो 125% इसको दिया जा रहा है उसकी वजह वहाँ पर ओनली 80% और 70-80% ही सैलरी का दिया जा रहा था, यही कारण था कि उन्हें थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था।
लेकिन आप 53.5 साल से अबव हैं, तो अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें सीधे सीधे फ़ायदा है और आपको BRS ऑप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप जितना जल्दी हो सके BRS के लिए अप्लाई कर दें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये तो था BRS से रिलेटेड जानकारी, और अब हम आपको बता दें कि BRS के एम्प्लॉयज़ की संख्या 80,800 के आसपास हो चुकी थी, जो कि लगभग इस समय 81,000 के आसपास पहुंच जाएगी आज इवनिंग में। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर में जो सब्सक्राइब का बटन लगा दिखा रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और दोस्तों ये जो सब नोटिफिकेशन का निशान आता है उसे ऑन कर दीजिएगा, और जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप चाहें तो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर यहाँ क्लिक करना होगा और ये शेयर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।